right, all right, all right. Okay. हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस बेल आइकन को हिट करिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पाव भाजी बहुत इजी और सिंपल वे में। उसके लिए वी नीड बॉइल्ड पोटैटोज, बॉइल्ड कॉलीफ्लावर, टमाटोज, कैप्सिकम, अनियन, हमको फ्रांस बीन जो होती है और बीन्स बोलते हैं उसको, और कैरेट। गाइस, जो इतना भी हमारा इंग्रेडिएंट्स होगा, साथ में मैंने बटर भी लिया है, ऑयल भी लिया है, पाव भाजी मसाला भी लिया है और कुछ थोड़े बहुत मसाले हम लोग अपने जो मसालेदारी नॉर्मल हमारे घर पे होती है उसमें से डालेंगे। मैंने अभी क्या किया है, अपना पैन गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा बटर डालूँगी। गाइस, एज यू कैन सी, हीट अप हो गया है मेरा पैन और मेरा जो बटर है दैट इज़ मेल्टिंग वेरी क्विकली। इसके ब्राउन होने से पहले मुझे इसके अंदर जीरा डाल देना है, अदरवाइज क्या होगा कि जल जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बटर का टेस्ट आफ्टर यू नो जब वो बर्न हो जाता है। तो मैंने जीरा डाल दिया। जीरा डाल के मैं हल्का सा इसको उसको भूनूंगी जीरे को। सो गाइस, मेरे जो जीरा है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं अनियन डालूंगी। एज़ यू कैन सी, पैन में मैंने अनियन डाल दिए हैं। मुझको इसको बिल्कुल यू नो लाइट पिंकिश कलर के रखने हैं, बिल्कुल भी बर्न नहीं करना, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। मेरा जो पैन है दैट इज़ ऑफ नॉन स्टिक, फिर भी मैं उसको पूरा स्टिर कर रही हूँ कंटिन्यूसली, बिकॉज लाइक जलना नहीं चाहिए प्याज बिल्कुल भी। और गाइस, इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ बटर। तो अगर आप लोग पाव भाजी बना रहे हैं उससे पहले बटर ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि हमारा जो पाव होगा, हम लोगों को पाव में भी बटर को जो होगा पाव में सेकना है। तो हम लोग जो बनाएंगे इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग कुकिंग ऑयल, हम लोग बटर यूज़ करेंगे। तो गाइस, मेरी एज़ यू कैन सी जो प्याज है हल्का हल्का सा भुनना स्टार्ट हो गया है, सॉटे हो गई है थोड़ा अच्छे से। अभी इसको हल्का सा और मैं सॉटे करूँगी जब तक मेरे जो अनियंस हैं वो बिल्कुल पिंकिश कलर के नहीं हो जाते। गाइस, मैंने गार्लिक क्रश करके रख लिया है। इट्स ऑप्शनल इफ़ यू लाइक गार्लिक, आप गार्लिक डाल सकते हो। मैं जिंजर भी डालूँगी इसके ऊपर, अदरवाइज विदाउट गार्लिक भी पाव भाजी बहुत टेस्टी बनती है। तो गाइस, मैंने 6 to 7 क्लोव्स थे गार्लिक के, मैंने वो क्रश कर लिए थे। क्रश करके अब मैं थोड़ा, जब ये पिंकिश हो जाएगा आफ्टर दैट आई विल पुट गार्लिक इन दिस पैन। अब मैं डालूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो गया है। तो गाइस, ये मैंने गार्लिक डाल दिया था इसमें। अब मैं इसको स्टिर करूंगी अगेन। अब नेक्स्ट क्लिप यू कैन सी मैंने इसमें टमाटोज भी ऐड कर दिए हैं। टमाटोज़ के साथ मैंने ग्रीन चिली भी ऐड करी है गाइस। सो यू नीड टू पुट टमाटोज़ एंड ग्रीन चिली टुगेदर, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। मैंने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला है, ना ही कोई मसाले डाले हैं। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता, टमाटर गल नहीं जाते तरीके से, तब तक आप यू नो बिल्कुल भी इसमें कोई भी मसाला या कोई भी नमक मत डालिए। इसको प्रॉपर तरीके से गलने दीजिए, पूरा मशी होने चाहिए जो टमाटोज़ है, और अच्छे से यू नो पक जाने चाहिए, गल जाने चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू से, और ये तेल छोड़ना चाहिए इसको। तब तक आप इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे इन्ग्रीडियंट्स। तो गाइज, आई एम वेटिंग कि ये फटाफट तेल छोड़े। तो अगर आपको लग रहा है कि सूख गया आपका पैन, मेरा तो नॉन स्टिक है, बट यू कैन ऐड वाटर ऑल्सो। सो गाइज, पूरी तरीके से मेरे टमाटोज़ गल चुके हैं, तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें कैप्सिकम डालूंगी। गाइस, कैप्सिकम अगर आप डाल रहे हैं तो उसको हल्का कच्चा भी रख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको बिल्कुल ही इसको गलाना है। मेरे को बहुत क्रिस्पी कैप्सिकम पसंद है, तो मैं कैप्सिकम को हल्का कच्चा छोड़ूंगी, प्रॉपर तरीके से इसको नहीं पकाऊंगी। सो गाइज, आई एम वेटिंग कि मेरे कैप्सिकम भी हल्का हल्का सा यू नो पक जाए, हल्का हल्का सा नर्म हो जाए, बट इसको मैं हाफ कच्चा, आधा कच्चा छोड़ूंगी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। गाइज, इसको स्टिर करते रहिए क्योंकि लगने का चांसेस अदरवाइज रहता है। अब आफ्टर लाइक कैप्सिकम के बाद मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1 teaspoon आई एम यूजिंग हल्दी। एंड अब मैं साथ में इसके लाल मिर्च भी डालूंगी। नमक मैंने अभी भी नहीं डाला है। मैंने लाल मिर्च ले लिया, मैंने 1/2 teaspoon अभी लिया है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च थोड़ा सा तीखा है, तो इसलिए मैं जो लाल मिर्च है, हम लोग वैसे भी लाल मिर्च अवॉइड करते हैं घर में, तो गाइस लाल मिर्च मैंने थोड़ा कम डाला है। इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप ज़्यादा डालिए। तो गाइस, मैंने अभी पाव भाजी मसाला डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, 2 to 3 tablespoons आप लोग पाव भाजी मसाला इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, खड़े मसालों का मिक्सचर है इसमें।
गाइज मैंने अभी जो बीन्स थे मेरा ग्रीन बीन्स और कैरेट था ये बॉइल्ड है अच्छे से. अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी और अपने एक मैशर के थ्रू इसको मैश भी करूँगी. तो गाइज आफ्टर दिस क्लिप यू आर गोइंग टू सी दिस मैशर और मैं इससे मैश कर रही हूँ बीन्स को. बहुत ईजीली मैश हो जा रही है क्योंकि काफ़ी अच्छे से बॉइल्ड है. और गाइज लेट मी टेल यू एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. मैंने जब पोटैटोज बॉइल किए थे उसी के साथ ही मैंने ये जो ग्रीन बीन्स थी और कैरेट थी दोनों को साथ में मैंने उबाल दिया था और एक बार में ही मेरा दोनों काम हो गए थे. तो गाइज़ यू कैन ऑल्सो डू दिस. उसके बाद मैंने अब सेकेंड जो डाला है दैट इज़ सॉल्ट. गाइज सॉल्ट मैं लेयर में डालूंगी. लाइक मैंने अभी बीन्स और कैरेट डाला है इसमें मैश किया है तो मैंने इसमें वो डाला सॉल्ट डाला. अब मैंने इसमें पोटैटोज़ डाल चुकी हूँ बॉयल पोटैटोज़ एज़ यू कैन सी. अब मैं फिर मैंने नमक डाला इसमें और अब मैं साथ में पानी भी डाल रही हूँ. तो गाइज मैं लेयर्स में डालती हूँ सॉल्ट. मैं डायरेक्ट एक बार में नहीं डालती क्योंकि बीन्स को ऑब्जर्व करने के लिए सॉल्ट का ज़रूरत होती है. और गाइज ये थोड़ा सा मैंने कॉलीफ्लावर दोबारा से डाला एज़ यू कैन सी और मैं अब इसको भी मैश करूँगी अच्छे से. फाइनली गाइज जब सब चीज़ें मैश हो जाएंगी उसके बाद मैं इसमें बटर डाल रही हूँ फॉर अ टेस्ट. और गाइज मेरा पाव भाजी इज़ रेडी. और गाइज इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालने क्योंकि पाव भाजी मसाले में ऑलरेडी इतने सारे मसाले होते हैं. गाइज जब आप पाव भाजी सर्व करेंगे तो पाव भाजी के अंदर बटर होना चाहिए और पाव अच्छे से बटर में सिकी होनी चाहिए. साथ में आप नींबू और प्याज काट के ज़रूर दीजिए. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है. ये बॉम्बे का बहुत ज़्यादा फेमस है पाव भाजी पर आजकल हर जगह अवेलेबल है और ईजीली आप घर पर भी बना सकते हैं. तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये रेसिपी और एक वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप और भी चाहते हैं मैं कुकिंग वीडियोज़ करूँ तो प्लीज़ डू गिव मी थम्स अप. और गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.